अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं उमर बख्त। 24 मार्च बरोज़ मंगल से कोरोना वायरस की वजह से पंजाब भर में लॉकडाउन नाफिजुल अमल है। सरकारी तौर पर लोगों से भरपूर अपील की जा रही कि खुदारा अपने घरों में रहिए, कोरोना वायरस से अपने आप को बचाइए। आइए चलते हैं, देखते हैं लोग लॉकडाउन पर कितना अमल कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से आज इधर भी बहुत कम ट्रैफिक है। ये वही लोग हैं जो शाज़ो नाज़र अपनी मजबूरियों के तहत घरों से निकले हैं। अगर कोई किसी एक शख्स की जान बचाए तो उसे हीरो कहते हैं, अगर कोई 10 या 100 लोगों की जान बचाए तो उसे डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा हमारी खातर अपने घरों में रहिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की सिर्फ एक वैक्सीन है कि सिर्फ अपने घरों में रहिए। अगर आप चाहते हैं कोरोना वायरस आपके घर ना आए तो खुदारा उसे लेने बाहर मत जाइए। पंजाब पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और सिविल डिफेंस के अदारे मुतहरिक हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाहर मौजूद हैं। इनमें से कुछ मुंचले ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हालांकि वो ना सिर्फ खुद इन्फेक्ट हो सकते हैं बल्कि हेल्थी कैरियर होने की वजह से बहुत सों के लिए खतरा बन सकते हैं। हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन को लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग अपने घरों में मौजूद हैं और जो लोग इस वक्त सड़कों पर नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ अपने ज़रूरी काम की वजह से बाहर हैं। लोग समझते हैं और लोग इस चीज़ को जानते हैं कि कोरोना की सिर्फ एक वैक्सीनेशन है जिसका नाम है अपने घरों में मुहतात रहिए। मैं इस वक्त लाहौर की मसरूफ़ तरीन शहराओं में से एक शहरा पे मौजूद हूँ। कोरोना वायरस के बाइस हुकूमत के लगाए गए लॉकडाउन को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग अपने घरों में मौजूद हैं और बहुत ही कम लोग ज़रूरत के मुताबिक निकल रहे हैं, वगरना आम दिनों में इन रोडों पर बहुत रश होता था। आज इन रोडों पर हू का आलम है।